600-700 करोड़ जलते हुए देखे हैं, वो भी VFX वाली आग में। वही फीलिंग आई थी जब आदि पुरुष का टीजर आया था और सोशल मीडिया पे इसको इतना ट्रोल किया गया और लोगों ने भी खूब वीडियोस बना के भर भर के व्यूज छापे और रिजल्ट हुआ ये कि मेकर्स को इसकी डेट पोस्टपोन करनी पड़ गई। तो बहुत टाइम के इंतजार के बाद फाइनली आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज हो गया है और मूवी रिलीज हो रही है 16 जून को। तो इसके ट्रेलर लॉन्च के लिए इन्होंने मुंबई में लाइव इवेंट रखा और इसका यूट्यूब पे प्रीमियर भी रखा, मतलब समझ रहे हो फुल हाइप वाली बातचीत। तो डेफिनेटली इसका ट्रेलर टीजर से तो बेटर था, बट टी सीरीज इतना बड़ा ब्रांड और आदि पुरुष जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, मतलब इसके साथ इन्होंने पहले ऐसा धोखा क्यों किया वो नहीं समझ आया। और जब एक ऐसी टाइमलेस स्टोरी को ऑन स्क्रीन प्रेजेंट करना होता है तो क्या काम करता है, मूवी के विजुअल्स, सिनेमाटोग्राफी, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस और बैकग्राउंड म्यूजिक, और इस केस में तो भाई CGI और VFX भी, और इसीलिए इस मूवी से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। लेकिन जहां पर बाहुबली जैसी मूवी 200 करोड़ के आसपास के बजट में बनकर रेडी हुई थी, वहां पर तो आदि पुरुष से उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ट्रेलर में टीजर के 1-2 सीन्स के अलावा और ज्यादा सीन्स इन्होंने नहीं दिखाए और उन सीन्स के VFX अब इम्प्रूव लग रहे हैं, तो लग रहा है कि भाई ट्रोलिंग का कुछ तो फायदा हुआ है। और इसमें जो डायलॉग्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और एक चैंट, गूज़बम्स ही आ गए उससे तो, पर वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए क्योंकि प्रभास सर, जिनको बाहुबली के बाद एक पैन इंडिया एक्टर माना जाने लगा है, वो कनेक्ट ही नहीं फील हुआ उनको देख के, और सैफ अली खान को तो ट्रेलर से गायब ही कर दिया। मतलब टीजर में जितना दिखाया गया था इस बार तो 0.5%। ट्रेलर के बीच में एक शॉट है और एक शॉट बस एंडिंग में है, वो भी बैक दिखाई दे रही है, फेस, हेयर कट कुछ नहीं नजर आ रहा। एक सिर्फ कृति सानन को देख के ऐसा लगा कि भाई इनकी परफॉर्मेंस सब पे भारी पड़ने वाली है। तो ओवरऑल मूवी कैसी होगी और क्या जो सीन्स जो इसके टीजर में ट्रोल हुए थे वो इम्प्रूव दिखेंगे या नहीं, जानेंगे 16 जून को। अगर आपको भी आदि पुरुष का रिव्यू देखना है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ, बेल आइकन पे ऑल करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपको फिर किसी ऐसी फिल्मी सी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।